लोयाबाद में आज कांग्रेस नेता प्रकाश नोनिया ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बागमारा विधायक डुल्लू मातो के समक्ष भाजपा पार्टी में शामिल हुए। विधायक डुल्लू मातो ने सभी लोगों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। धनबाद से लोकसभा चुनाव के बारे में बताया कि पार्टी अगर उन्हें आदेश देगी तो वो निश्चित ही धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं भाजपा परिवार की ओर से भाई प्रकाश नोनिया जी और उनके जितने सहयोगी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ग्रहण किए, उन सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बड़े भाई प्रकाश नोनिया जी पार्टी बहुत मजबूत हुआ है और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसी लक्ष्य और उसी लक्ष्य के आधार पर कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो कल्पना है समाज के प्रति वो पूरा करने का काम करेंगे। आज परिस्थिति देश के प्रति जो है, आज स्थिति जो है, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथों को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए और देश को मजबूती प्रदान देने के लिए सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाई प्रकाश नोनिया जी इनके जितने सहयोगी हैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बता देता हूं लोकसभा चुनाव के लड़ने के संबंध में क्या करना चाहते हैं। देखिए, पार्टी का जो निर्देश होगा उसी निर्देश के पालन करते हुए हम कार्य करेंगे। पार्टी का जो निर्देश होगा, अगर चुनाव लड़ने बोलेंगे तो लड़ेंगे और नहीं लड़ने बोलेंगे तो भी हम नहीं लड़ेंगे। छोड़ करके पूरे अपनी टीम के साथ और बहुत से टीम में भी बहुत लड़का है, जहाँ तक है एक घंटा का कार्यक्रम था, एक घंटे का तैयारी था। हम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, टाइगर फोर्स में शामिल हुए हैं विधायक जी की अगुवाई में और पिछले 20 साल से हम लोग जलेश्वर महतो के साथ थे और जहाँ थे, जहाँ रहते हैं वहाँ पूरे ईमानदारी के साथ रहते हैं। अब अगर मोह भंग उनसे हुआ है जलेश्वरधाम में, उनको अपना भी गहन चिंतन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कैडर अगर छोड़ रहा है तो कारण क्या है। लेकिन अब अगर हम शामिल हुए हैं बीजेपी में, शामिल हुए हैं तो पूरे निष्ठा के साथ शामिल हुए हैं और अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब विधायक जी का साथ है और जब तक